हाँ सही बात है, फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे, 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्या जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया, तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव पर जमकर भड़की अपना दल का मेरावादी की नेता पल्लवी पटेल, और क्या कुछ नहीं कह दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पल्लवी पटेल को इतना गुस्सा आ गया। सपा से गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है कि वो प्रमाण दे कि हम उनका हिस्सा हैं या नहीं। पल्लवी पटेल ने कहा कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उनको पिछड़ा दलित नेताओं की जरूरत है या नहीं। मैं कहीं से भी सपा की विधायक नहीं हूँ, अपना दल गठबंधन की विधायक हूँ। मेरी सदस्यता छीन लेने के सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास हैं। इंडिया गठबंधन घटक दलों के साथ क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े दलित शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि अपना दल से वर्ष 2022 में गठबंधन था और 2024 में गठबंधन नहीं। इसके जवाब में पल्लवी पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर से चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने जो कहा अपना दल उसका स्वागत करता है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। अखिलेश यादव को पूरा अधिकार ये कहना है पल्लवी पटेल का। उन्होंने कहा कि मैं सपा से विधायक नहीं हूं, अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। अखिलेश यादव को पूरा अधिकार है वो मुझसे इस्तीफा मांग ले। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी, इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था, वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूँ। पल्लवी ने सिंबल पर चली खींचतान को लेकर कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुराथू में हमने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। हमारी पार्टी का खुद का सिंबल है, हम लोग सभा चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे। हम जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे वे सीटें कांग्रेस को बता दी गई। विपक्षी इंडिया गठबंधन हमारे साथ वही कर रहा है जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के साथ किया। हमने 3 सीट गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद घोषित की है। सपा और अपना दल के रिश्तों में खटास की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई। अपना दल का मेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा उम्मीदवारों में सपा की ओर से जया बच्चन और आलोक रंजन के चयन पर नाराजगी जताई थी। दूसरी तरफ सपा से लोकसभा सीटों पर बात नहीं बनने पर अपना दल का मेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने मिर्जापुर सहित 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसके कुछ देर बाद ही सपा ने मिर्जापुर सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।